अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तंजील रज़ा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ क्या हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, जितने भी दुनिया भर में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उनकी एक अपनी शनाख्त है, एक तरजीहात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो कस्टमर सर्विस या कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी वैल्यूज़ उसके ऊपर पूरा बेस उन्होंने एक अपनी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की एक पूरी इमारत खड़ी की है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल जो है इन्वायरमेंट की केयर करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करती है, तो केयर उनकी एक वैल्यू है आउट ऑफ देयर मल्टीपल वैल्यूज़। सो अब इस वीडियो में डिस्कस करना है कि ज़रूरी क्यों है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हों। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक कल्चर बना सकें। अब कल्चर क्या है? कल्चर इज अ लुब्रिकेंट दैट ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते होंगे, रंग, नस्ल, कास्ट के लोग आते होंगे। अब किस तरह उन सारे डाइवर्स लोगों को उनका बिहेवियर गवर्न किया जाए, इसलिए आप वैल्यूज बनाते हो और फिर एक कल्चर फॉर्म होता है। वैल्यूज इसलिए भी जरूरी है ताकि आप दुनिया को बता सको, जो कि आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं, कि हाउ वी डू थिंग्स, हाउ वी इंटरैक्ट विद द कम्युनिटी, हाउ वी इंटरैक्ट विद द इंटरनल स्टेक होल्डर्स, हाउ वी इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और एम्प्लॉय इसलिए ताकि आप एम्प्लॉय रिटेंशन भी अच्छे तरीके से कर सको। अब देखिए, मेरे दिमाग में कुछ बड़ी वैल्यूज आ रही हैं जो मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, जिसमें हडसन ग्लोबल रिसोर्स, जो दुनिया की तीसरी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फर्म है, ऑफिस डिपोर्ट, जो कि दुनिया की टॉप 10 स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती है, अमेरिका में उनके हेड ऑफिस है, मेलबर्न में मैंने काम किया, और कुछ पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस जिसके साथ मैंने कंसल्टेंसी की। तो कुछ मेन वैल्यूज मैंने जो सीखी उनसे और जो उनको सिखाई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर वन जो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है, वो है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप सबको, एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो सीईओ हो, सबकी इज्जत है। इज्जत जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर में डाली है। जब भी कोई उससे छीनता है तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे बुरा लगता है, उसका दिल दुखता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनी और एम्प्लॉय रिटेंशन और एक अच्छा कल्चर बनाना है, उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा इस कस्टमर सर्विस, अमेज़ॉन की मैंने पहले मिसाल दी, अमेज़ॉन ने अपनी इतनी बड़ी इमारत सिर्फ इस फैक्टर पे कंसिडर की, उनके विजन भी आता है कि मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें जो है अपने कस्टमर को वैल्यू करना है। तीसरा इज एक्सेलेंस। एक्सेलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपकी क्वालिटी को डिपिक्ट करता है, वो ये डिपेक्ट करता है कि आप जो भी काम करते हो उसको अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से करते हो। तो आपकी बिजनेस ऑपरेशन फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेलेंस बहुत ज़रूरी है। चौथा जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस केयर, केयर फॉर द एनवायरनमेंट, केयर फॉर द एम्प्लॉई, केयर फॉर द स्टेक होल्डर्स, मे इट बी इंटरनल और एक्सटर्नल। केयर एक बड़ा फैक्टर है जिससे जो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर भी बहुत आता है और जो एम्प्लॉय रिटेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज एवरीवन वुड लाइक टू बी केयर्ड। एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। और रिचर्ड ब्रांसन ने कहा था ना, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, एंड ही इज वन ऑफ द बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड जिसने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की, राइट। उसके बाद पांचवी आती है कमिटमेंट। हमारे लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक ये वैल्यू जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है क्योंकि आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती है। अगर आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स अपनी कमिटमेंट पूरी उतरेंगे तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। एक सोचने वाली बात है, आप एक वेंडर है जो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता और एक वेंडर है जो कमिटमेंट पूरी करता है, आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जो अपनी कमिटमेंट पूरी करता है, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिस पर ऑर्गेनाइजेशन ने बिहेव करना होता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है, देखें मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ और मैंने देखा है कि वॉल पूरी भरी पड़ी होती है वैल्यूज से, लेकिन जब आप एंटर होते हो तो वो वैल्यूज डिपिक नहीं हो रही होती। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट फर्स्ट कि हम इन वैल्यूज पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू सिर्फ ये नहीं होता कि आपने रिस्पेक्ट लिख दी, आपने उसके आगे ये भी लिखना है कि व्हाट आर द बिहेवियर्स जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस रिस्पेक्ट के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, respect is our value and we want to treat
all employees with respect and dignity, may it be the security guard, peon, or the or health worker, या उसको cleaner कहते हैं, मैं health worker कहना पसंद करता हूँ. उन सबको हम सेम रिस्पेक्ट करेंगे. आप सब ने उनको ग्रीट करना है, हंस के मिलना है. सो दीज आर द बिहेवियर्स इन रिगार्ड्स टू द रिस्पेक्ट. ये तरीकेकार होता है एक रिस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके, उसके बिहेवियर को लिस्ट करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट करना, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन सके, और फिर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकले तो उसकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो और एक स्टैंडिंग हो, आपकी एक पहचान बन सके, आपकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन सके, जिसे हम ब्रांड भी कहते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. और अगर आपको वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग्स चाहिए तो मीनिंगफुल लाइव्स आर हियर, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.